जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में एक क्लास को और आगे पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने जजिया कर को किस प्रकार लागू किया था। तो देखिए, यहाँ पर तथ्य दिया है, अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर के समाप्ति की घोषणा कर दी थी, मतलब अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए उसने हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा था। देखिए, सबसे पहले जजिया की बात करते हैं। जजिया क्या होता है? जजिया एक ऐसा टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स दिया करते थे, विशेष तौर पे हिंदू उस समय, है ना। अब ये जजिया का इतिहास बड़ा पुराना है, इसको सबसे पहले लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर आपसे कोई पूछे कि जजिया को सबसे पहले किसने लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, परंतु इसने विधवा, विकलांग और ब्राह्मणों को इससे बाहर रखा था। याद रखिएगा, सुनिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया था, इसने विधवा, विकलांग और ब्राह्मणों को इससे छूट दिया था। इसके बाद क्या होता है कि ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया था। लेकिन अकबर क्या करते हैं? अकबर इसे समाप्त कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? फिर आता है औरंगजेब, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। औरंगजेब फिर से जजिया लगाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला, इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया कि जजिया, अब ये मतलब जजिया नाम ही खत्म, अब जजिया आगे से कोई भी सुल्तान लागू नहीं कर पाएगा। तो जजिया का इतिहास कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाते हैं, है ना, ये विधवा, विकलांग और ब्राह्मणों पर नहीं लगाता है। ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने फिर से लगाया और मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा था औरंगजेब ने जजिया टैक्स देने के लिए। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग था जिसकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, मतलब ऐसे हिंदू जो 200 दिरहम से कम की कमाई करते थे उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना होता था, और 200 से लेकर 10,000 दिरहम तक कमाई करने वाले हिंदुओं को 24 दिरहम देना पड़ता था, और जिनकी आय 10,000 दिरहम से अधिक थी उनको 48 दिरहम देना पड़ता था। तो हिंदुओं को 3 समूहों में बांटा। पहले समूह में वे आ गए जो 200 दिरहम से कम कमाते थे, उनको 12 दिरहम देना होता था, 200 से 10,000 तक कमाने वालों को 24 देना होता था, और 10,000 से ऊपर कमाने वाले को 48 दिरहम देना होता था। इसके बाद यहाँ पर दिया, स्त्रियाँ, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। देखिए, इसमें उसने स्त्रियों पर नहीं लगाया था, गुलामों पर नहीं लगाया, 14 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर नहीं है, भिखारी, आय रहित मतलब जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, इन पर नहीं लगाया गया। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। जो अधीनस्थ हिंदू राजा थे और साथ ही साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें भी ये टैक्स देना होता था, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स दिए गए स्क्रीन पर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेस करते समय आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर दिया, औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, है ना, ये सब उदार प्रकृति के थे, मतलब ये उदार थे, इनमें मुस्लिम हिंदू के प्रति एकता की भावना थी। लेकिन औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, मतलब ये जितने भी कानून लागू करेगा सब सुन्नी मुसलमानों के प्रभाव के होंगे। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ से किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। देखिए, दारा, इसका जो भाई था दारा सिको, ये उदार था, है ना, इसके विरुद्ध ये युद्ध करता है और राज सिंहासन प्राप्त करता है ना। धर्मत का युद्ध होता है जिसमें दारा परास्त होता है,
और इसके बाद क्या होता है कि कुरान का जो कानून होता है इसे कठोरता से लागू करता है। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश जैसे कि दारुल हर्ब कहते हैं के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य मतलब दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाते। देखिए दारुल हर्ब उसे कहते हैं ऐसे देश जो गैर मुस्लिम है ना, जिहाद मतलब धर्म युद्ध और दारुल इस्लाम का मतलब है कि जो गैर धार्मिक देश है ये मतलब धार्मिक देशों में परिवर्तित हो जाए मूल रूप से मुस्लिम संप्रदाय में। तो ये मतलब बताया था कि इसे तब तक युद्ध करना चाहिए मुस्लिमों को जब तक कि प्रत्येक गैर मुस्लिम देश में परिवर्तित नहीं हो जाते, है ना। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुला दान और झरोखा दर्शन ये सब बंद करवा दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया, है ना। देखिए औरंगजेब क्या करता था, हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाता था, इसने बंद कर दिया। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया, मतलब देखिए जो वैश्या थी इनको बोला गया कि या तो आप शादी कीजिए या तो देश छोड़ दीजिए। दरबार में बसंत, होली, दीपावली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए गए। स्वाभाविक सी बात है ये सुन्नी मुसलमान था और एक तो कट्टर है ना, तो इसने जितने भी हिंदुओं के त्यौहार थे सब मनाना बंद कर दिया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबियाउद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसके स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। तो देखिए इसने क्या किया, इसने अपनी पत्नी का मकबरा जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं इसका निर्माण करवाया है ना, तो इसे भी आपको याद रखना है। इस और इसे द्वितीय ताजमहल की दर्जा भी दिया जाता है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्या दिया हुआ है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है ना, जो दिल्ली का लाल किला है ना, इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की। जहां आरा बेगम सम्राट और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, वो अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक प्रसिद्ध मस्जिद ये मोती मस्जिद हम लोगों ने देख रखा है पीछे, है ना, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा के किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए किले के बाहर शाहजहां ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवा दिया, है ना। अब देखिए ये मस्जिद का नाम था मोती मस्जिद। औरंगजेब एक प्रकार के फारसी लिपि नस्तालिक एवं सिकस्त लिखने में निपुण था, है ना। नस्तालिक और सिकस्त ये फारसी लिपियां थे जिसे औरंगजेब कुशलता से लिख रहा था। चिश्ती संत कलीम उल्ला ने सल्तनत एवं फकीरी की एक साथ मिलाने के कारण औरंगजेब को पाखंडी कहा था। इसने सल्तनत और फकीरी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, इस वजह से पाखंडी कहा गया। नेपोलियन प्रथम कहा करता था, स्पेन के फोड़े ने मुझे बर्बाद कर दिया और दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, ठीक है। स्पेन रूपी जो फोड़ा है ये किसको बर्बाद करता है, नेपोलियन को, और दक्कन का जो फोड़ा दक्कन रूपी जो रुकावट है इसने औरंगजेब को। औरंगजेब के आरंभिक वर्षों में राय रघुनाथ ने स्थानापन्न दीवान के रूप में कार्य किया था। गोलकुंडा के विरुद्ध महाराणा अनूप सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने इसे शाही मरातिब की उपाधि प्रदान की थी, है ना। ऐसे एक चीज आपको और याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के शासनकाल में होते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आगे दिया, औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन हेतु हनफी फिक के महत्वपूर्ण उद्धारणों को निकालकर फतवा आलमगिरी में संकलित करवाया। इस पुस्तक को भारत में रचा गया मुस्लिम कानून का सबसे डाइजेस्ट मतलब संक्षिप्त पुस्तक माना जाता है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा जरूर से, फतवा आलमगिरी, है ना। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मसरूफ प्रणाली, खुराके पिलान एवं इमारास इरामास की शुरुआत करता है ना। सनातनी पंथ के अनुयायियों ने सन 1672 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध सतनामी विद्रोह किया था। तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो औरंगजेब के बारे में हम लोगों ने काफी डेटा पढ़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में डायरेक्ट बनता है ना, तो इन चीजों को आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं याद रखेंगे है ना, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप वहां पे फंस जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है औरंगजेब के बारे में। देखिए अब अगली क्लास में हम लोग मुगल प्रशासन एवं संस्कृति की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद और भी मुगल शासक हुए, लेकिन हम लोग इसे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो उत्तरवर्ती मुगल शासनकाल है ना, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मुगल सत्ता है ना 1707 से कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है और ये औपचारिक रूप से चलता रहता है, जिसे 1857 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो एक एक करके चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, कि किस प्रकार से चीजें परिवर्तित होती है। तो
अब मुगल प्रशासन और संस्कृत, इसकी शुरुआत हम लोग अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। ये छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।